हेलो एवरीवन, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला लेकर के आया है आप सभी के लिए नर्सिंग का एक बिल्कुल स्पेशल कि किस तरीके से आप नर्सिंग की तैयारी को कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो है एम्स नॉर्थ सेट की। किसकी साथियों? एम्स नॉर्थ सेट की। देखिएगा होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि एम्स नॉर्थ सेट वो एग्जाम है जिसके अंदर आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर जितने एम्स हैं उसके अंदर नौकरी करने के लिए। प्यारे साथियों, पहले तो हर एम्स का अलग अलग एग्जाम लगता था कि एक दिल्ली एम्स है उसका अलग लगेगा, भुवनेश्वर का अलग लगेगा, बट इस सभी को देखते हुए एक ही सभी एम्स के लिए एक एग्जाम निकाला गया, एम्स नॉर्थ सेट 2024 जो आने वाला है वो एम्स नॉर्थ सेट 2024 है। अब समझिएगा जरा कि जो एम्स नॉर्थ सेट 2024 है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले एक पेपर लगता था, बट अब जो ये नॉर्थ सेट आने वाला नॉर्थ सेट है उस नॉर्थ सेट में आपके लगेंगे दो पेपर, जिसको कहेंगे प्री पेपर और मेंस। बिल्कुल प्री और मेंस आपके दो पेपर लगेंगे। ये जो पेपर होंगे यही आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं नौकरी करने के लिए। सबसे पहला पेपर आपका जो है वो प्री पेपर है साथियों। कौन सा है? सबसे पहला पेपर आपका पड़ेगा प्री पेपर, फर्स्ट पेपर है जिसको प्रीलिमिनरी कहते हैं। तो प्री पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर है। ये पेपर क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा। ये पेपर जो क्लियर करना होगा आपको 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और इस 90 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 100 MCQs। कितने MCQs? 100 MCQs आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो 90 मिनट में 100 MCQ सॉल्व कीजिए। 100 MCQ को किस प्रकार से बांटा गया कि जो आपके नर्सिंग पैटर्न के MCQs होंगे, जो नर्सिंग के MCQs होंगे वो आपके 80 MCQs होंगे, 80 MCQs, और जो नॉन नर्सिंग फील्ड के पेपर होगा, नर्सिंग का जो पार्ट होगा वो सिर्फ 20 मार्क्स का होगा। तो 20 MCQs इसके होंगे। तो टोटल मिला के कितने MCQs? 100 MCQs होंगे, और 90 मिनट में आपको कॉल इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात ये याद रखिएगा, इस पेपर के अंदर आप जो ये पेपर कर रहे हैं 80 MCQs नर्सिंग के और नॉन नर्सिंग के, 20 MCQs 90 मिनट के अंदर अंदर फिनिश करने हैं आपको। जब आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा जिसको करना है मेंस। जो लोग, ये मानिए, जो लोग प्री को क्लियर करते हैं वो आगे बढ़ेंगे मेंस में। जनरली क्या होता है, प्री क्लियर करने वाले 1:5 के रेशियो के अंदर क्लियर करवाना है। कितना? 1:5 के रेशियो में, मतलब 100 सीट है तो 500 लोगों को क्लियर कराया जाएगा, और फिर वो 500 लोग आएंगे तो उनमें फाइट होगी, और मेंस को क्लियर करने के लिए जिन लोगों ने मेंस क्लियर कर लिया फाइनली वो आप क्या होंगे, नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेंस का पैटर्न समझिए कि 90 मिनट होंगे आपके पास भी, कितने 90 मिनट्स होंगे, और इस 90 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने हैं 100 MCQs। कितने MCQs? 100 MCQs। मार्किंग, ये जो नेगेटिव होता है ना, यही इंसान को डुबो देता है, क्योंकि पेपर में क्या होगा, हम ये समझते हैं कि नेगेटिव नहीं है, बट यहां नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो हमें जो क्वेश्चन आ रहा है हम सिर्फ उसी क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जो हम सिर्फ तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो वो तुक्का गलत हुआ तो आपका 1/3 नेगेटिव, तो जो चांस बन रहा था वो चांस भी आपका निकल जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव कितना, 1/3 का नेगेटिव है। फिर क्या होता है, जनरली ये जो आपके प्री और मेंस में जो सवाल पूछे जाएंगे वो बेसिकली कैसे होते हैं, देखिए कई बार पिक्चर्स देते हैं, पिक्चर्स या फिर इमेजेस देंगे। इमेजेस आपको कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई आपका इंस्ट्रूमेंट के क्या, कोई टेबल हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर देखिए आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस के अंदर आ रहा है वीडियो बेस्ड। कौन सा? वीडियो बेस्ड। वीडियो बेस्ड में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सर्जरी कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ये प्रोसीजर है, नाम बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा MCQs में प्रायोरिटी आती है, प्रायोरिटी बेस्ड। ये प्रायोरिटी बेस्ड वालों का क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक इंसान है जिसको दौरा पड़ रहा है, तो आप उसको सबसे पहले क्या काम करेंगे, कैसे उसको बचाएंगे, तो हमें इन
पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है जब अपना मेंस जो होगा वो मेंस हम क्लियर कर पाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, जिनका मेंस क्लियर हो जाएगा उनको हमेशा, उनको याद रखिएगा, उनकी रैंक मिलेगी, रैंक के हिसाब से उनके मनपसंद जो एम्स है उनको वो अलॉट हो जाएगा। क्या? मनपसंद एम्स जो है वो अलॉट हो जाएगा रैंक के हिसाब से। तो आप सभी को ये बात क्लियर है कि किस प्रकार से दो बार पेपर हो रहा है और वो प्री और मेंस के नाम से बांटा गया है और उस पेपर्स में नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को मिला करके पूछा गया है। तो ये सभी बात क्या चीज़ है, ये किस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, उसको डिनोट किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।